हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्री सा विजुअल आर्ट गैलरी। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ यूजीसी नेट जीआरएफ विजुअल आर्ट जुलाई 2016 का सेकंड क्वेश्चन पेपर। तो फ्रेंड्स, चलिए हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। और फ्रेंड्स, इसमें 50 क्वेश्चन है टोटल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे स्किप करके बिल्कुल ना देखें। एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करते चलेंगे और इसके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसे भी हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, दो रंग हाफ टोन छपाई को एक अकेले रंग प्रतिबिंब की दो समान प्लेटों से करने की टेक्निक को कहा जाता है। ऑप्शन है हाफ टोन, दुरंगा, पूर्ण छाया, क्वार्टर टोन। राइट आंसर है सेकंड, दुरंगा। और फ्रेंड्स, जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सेकेंड क्वेश्चन है, सफ़ेद, काला या किसी रंग के मान को कहा जाता है। मान, रंगत, क्रोमा, आभा रंग। राइट आंसर है फोर्थ, आभा रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्कीर्णन निम्न में से किसकी एक टेक्निक है। फोटोग्राफी, प्रिंट मेकिंग, सेरीग्राफी, मूर्तिकला। राइट आंसर सेकेंड, प्रिंट मेकिंग। किसने छापाकार के रूप में कार्य नहीं किया है, इसका राइट आंसर है थर्ड, राजा रवि वर्मा। नेक्स्ट है, तिरछी दीवारें किस इंडो इस्लामिक वास्तु शैली की विशेषताएं हैं। ऑप्शन है खिलजी, तुगलक, लोधी, मामलुक। राइट आंसर सेकंड, तुगलक। नेक्स्ट है, विशालकाय महापरिनिर्वाण बुद्ध भारत में कहाँ स्थित है। ऑप्शन है अजंता और बदामी, अजंता और कुशीनगर, कुशीनगर और पीतलखोरा, अजंता और बाघ। राइट आंसर है सेकंड, अजंता और कुशीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटी वरहोल किससे संबंध है। फाविज्म, फ्यूचरिज्म, पॉप आर्ट, रोमांटिसिज्म। राइट आंसर थर्ड, पॉप आर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, वैकुंड विष्णु को समर्पित मंदिर है। लक्ष्मण मंदिर खजुराहो, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, दुर्गा मंदिर आईहोल, वृद्धेश्वर मंदिर तंजौर। राइट आंसर है फर्स्ट, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो, जो संबंधित है चंदेल वन से। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विष्णु प्रतिमा लक्षण में गदा को निम्न में से किस रूप में दर्शाया गया है। महिला साथी, खगोलीय वस्तु, पुरुष साथी, एक वाहन। राइट आंसर है फर्स्ट, महिला साथी। गांधार कला का संबंध निम्न में से किससे है। ऑप्शन है ग्रीको रोमन आर्ट, इंडो पर्शियन आर्ट, इंडो ग्रीक आर्ट, सेंट्रल एशियन आर्ट। राइट आंसर है थर्ड, इंडो ग्रीक आर्ट। नेक्स्ट है, कांसे और ब्रॉन्ज का मानक है, तो इसका राइट आंसर है 90% कॉपर, 7% टिन और 3% जिंक। ए इज द राइट आंसर। समामेलन निम्न में से किसके लिए उपयुक्त शब्द है। पत्थर, कांसा, लकड़ी, फाइबर ग्लास। राइट आंसर है बी, कासा। फॉन्ट एंड फेसेस का संबंध निम्न में से किससे है। पोर्ट्रेट पेंटिंग, ब्रॉन्ज कास्टिंग, टाइपोग्राफी, सेरेमिक ग्लेजिंग। राइट आंसर है सी, टाइपोग्राफी, यानी थर्ड इज द राइट आंसर। अमेरिका में 1921 में ग्राफिक डिजाइन शब्द के सृजन का श्रेय निम्न में से किसे दिया जा सकता है। ऑप्शन है जॉन रस्किन, वॉल्टर ग्रॉम्पियंस, विलियम मोरिस, विलियम एडिसन डिगिंसन। राइट आंसर है विलियम एडिसन डिगिंस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, किस प्रकार के मीडिया में विज्ञापन का आकार कॉलम एक्स सेंटीमीटर में मापा जाता है। ऑप्शन है सोशल मीडिया विज्ञापन, पत्रिका, समाचार पत्र, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। राइट आंसर है थर्ड, समाचार पत्र। कंटीन्यूअस टोन का सबसे सामान्य छवि निम्न में से किसमें पाई जाती है। डिजिटल फोटोग्राफ, समाचार पत्र चित्र, प्रोडक्ट मैगजीन, ब्रोमाइड प्रिंट पर लेटेंट इमेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, डिजिटल फोटोग्राफ। नेक्स्ट है, टाइगर इन मून लाइट 1978 किस कलाकार की कृति है। रामकिंकर बैज, मृणाली मुखर्जी, अनुपम सूद, जोगेन चौधरी।
राइट आंसर है फोर्ट जोगीन चौधरी। इन्होंने तैयार किया था 1978 में टाइगर इन मूनलाइट नाइट। फ्रेंड्स जोगीन चौधरी 1939 में इनका जन्म हुआ और ये एक महत्वपूर्ण चित्रकार के रूप में जाने जाते थे। इन्होंने ही समकालीन भारतीय कला में अपनी एक सशक्त अभिव्यक्ति के रूप में भी ये नवाजे जाते हैं। और हम इनके कुछ चित्रों की बात कर लें तो इनके चित्रों में है चंद्रमा, बाघ, गणेश, नटी विनोदिनी। इनकी काफ़ी फेमस पेंटिंग है नटी विनोदिनी, जो एग्ज़ामों में पूछा भी गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, रंग के गुणधर्म हैं रंगत, मान, तीव्रता, उपयुक्त सभी। राइट आंसर है सेकंड, मान। कालीघाट चित्रकला का केंद्र था कलकत्ता, दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास। राइट आंसर है ए कलकत्ता। निम्न में से कौन भारतीय लघु चित्रकला में प्रयुक्त नहीं है, लाइम प्लास्टर, तुलत, नील कमल, लैपिस लाजुली। राइट आंसर है लाइम प्लास्टर। 21 है सेरीग्राफ प्रक्रिया में सही क्रम का चयन करें, तो इसको हम सही क्रम में लगा लेंगे तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट, यानी सबसे पहले होगा फ्रेम, फिर उसके बाद आएगा एक्सपोजिंग, क्लीनिंग, लास्ट आ जाएगा स्क्वीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, काष्ट चित्र प्रक्रिया में सही क्रम चुनिए, इसका राइट आंसर है थर्ड, सबसे पहले है ड्राइंग करना यानी सबसे पहले ड्राइंग है, फिर है इंग्रेविंग यानी उकेरना, फिर है इंकिंग, देन लास्ट आ जाएगा प्रेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही क्रम चुनिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्थेनन, कोलोजियम, नोत्रदाम का कैथेड्रल, सिस्टाइन चैपल। तो सबसे पहले जो है पार्थेनन, ये हो जाएगा 447 से 432 ईसा पूर्व, फिर है कोलोजियम, ये है 70 से 80 ईस्वी, फिर है नोत्रदाम का कैथेड्रल, इसका टाइम पीरियड है 1163 से 1345 ईस्वी, फिर लास्ट वाले की हम बात करें सिस्टाइन चैपल, तो इसका टाइम पीरियड है 1508 से 1512 ईस्वी। इससे हम इसको क्या करेंगे, कालक्रम लगा लेंगे, तो ये आप नोट करते चले। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सही कालक्रम का चयन कीजिए, तो इनको पहले हम कालक्रम से लगा लेंगे। तो फर्स्ट वाला हम देख लेते हैं कुवत उल इस्लाम मस्जिद, इसका टाइम पीरियड है 1195, फिर है ढाई दिन का झोपड़ा, इसका टाइम पीरियड है 1199, फिर आ जाएगा जो अजमेर में है ढाई दिन का झोपड़ा, फिर है जामा मस्जिद दिल्ली, जामा मस्जिद का है 1650, फिर है बादशाही मंदिर लाहौर का, तो इसका टाइम पीरियड है 1671 से 73। तो ये कालक्रम में ही ऑलरेडी बना हुआ है, सबसे पहले कुवत इस्लाम मस्जिद 1192, फिर है ढाई दिन का झोपड़ा 1199, फिर है थर्ड नंबर पे जामा मस्जिद 1650, देन लास्ट है बादशाही मस्जिद 1671 से 1673। तो ए इज़ द, यानी फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही कालक्रम का चयन करें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, सबसे पहले हैं ब्रुनेलेस्ची, फिर है बर्निनी, मातिस, देन लास्ट आ जाएंगे हैंसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही कलानुक्रम का चयन कीजिए, ऑप्शन है रोमन, गोथिक, इजिप्शियन, ग्रीक। राइट आंसर है इसका सेकंड, सबसे पहले इजिप्शियन जिसे मिस्र कहते हैं, फिर है ग्रीक, रोमन, लास्ट आ जाएगा गोथिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, डिजिटल फोटोग्राफी का सही क्रम चुनें, इसका राइट आंसर है थर्ड, सबसे पहले है शूटिंग, उसके बाद होगा डाउनलोडिंग, थर्ड पे है एडिटिंग, देन लास्ट आ जाएगा प्रिंटिंग। 28 है एडवर्टाइजिंग मीडिया के विकास का क्रम लगाइए, इसका राइट आंसर है फोर्थ, सबसे पहले है न्यूज़पेपर, रेडियो,
गोरिल्ला प्रमोशन, फिर फोर्थ नंबर पे है सोशल मीडिया, फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉश पेंटिंग में तकनीक का सही क्रम चुनिए। इसका राइट आंसर है फर्स्ट सोकिंग, माउंटिंग, ड्राइंग, लास्ट आ जाएगा कलरिंग। नेक्स्ट है, चित्रकारों का सही कलानुक्रम का चयन करें। सबसे पहले कमालुद्दीन बादशाह ऑप्शन में है, फिर है मीर सैयद अली, मिक्सिन, फिर है मंसूर। तो इसको हम कालक्रम से लगा लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाएंगे कमालुद्दीन बेहजाद, इनका टाइम पीरियड है 1450 से 1535, 1450 से 1535। फिर है मीर सैयद अली, इनका है समय काल 1510। फिर है मिस्किन, ये अकबर कालीन के हैं, ये अकबर काल के माने जाते हैं। देन लास्ट है मंसूर, तो मंसूर किस काल के हैं, जहांगीर के काल के हैं मंसूर। तो इनका हो जाएगा कार्यकाल 1590 से 1624। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है, सेरीग्राफ प्रक्रिया में केवल जल घुलनशील स्याही का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह तेल आधारित स्याही से अधिक सुगम होती है। राइट आंसर है ए, ए और आर दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, छपाई केवल मास्टर प्लेट से मूल पाठ और प्रतिबिंबों की प्रतिकृति तैयार करने की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में कई विभेद पाए जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी फोर्थ इज द राइट आंसर, ए गलत है और आर सही है। माने के चित्र ओलंपिया एक पिकनिक निंदा का विषय रही क्योंकि उसमें प्रस्तुतिकरण की शैली पुनर्जागरण काल में चली आ रही कलात्मक परंपराओं को चुनौती देती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ए और आर दोनों सही हैं। नेक्स्ट है, पिएट मोंद्रियान ने अपनी कला सृजन में मुख्य रूप से सरल रेखाओं और रंगों का प्रयोग किया क्योंकि वह घनवादियों के द्वारा प्रस्तुत चित्रों की संरचना से अधिक प्रभावित था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, ए सही है और आर भी सही है। मूर्तिकला में वास्तविक त्रिआयामी स्वरूप शामिल होते हैं न कि प्रतिभासी स्वरूप। मूर्तिकला में त्रिआयामी होना प्रतिभासी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी थर्ड, ए सही है और आर सही नहीं है, थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, पूर्व पाषाण युग में लोगों ने मिश्र धातु की खोज कर ली थी, उनके उत्कीर्णन करने वाले उपकरण या तो नुकीले चट्टाने थी या उनमें मूल स्थिति की तुलना में कुछ परिवर्तन किया जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, नहीं, फर्स्ट इज द राइट आंसर, ए सही नहीं है और आर सही है। क्वेश्चन है, साल बेस का आईबीएम को दिया गया सबसे अधिक दीर्घकालीन योगदान IBM लोगो कहा जाता है जिसका इस्तेमाल अभी भी हो रहा है क्योंकि साल्वर्स का विचार था कि स्ट्राइप्ड IBM लोगो टाइप ने विजुअल रिदम नाम दिया और कम एकाश्मी आभास दिया जो बहुराष्ट्रीय बड़ी कंपनी के लिए उपयोगी था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट है, DAVP सामाजिक परिवर्तन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता रहा तथा भारतीय समाज में व्याप्त गरीबी और सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने के लिए लोगों में जागरूकता लाता रहा है क्योंकि DAVP को केंद्र सरकार के लिए मल्टीमीडिया विज्ञापन एजेंसी का कार्य करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसका राइट आंसर है सी, यानी थर्ड इज द राइट आंसर, ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट है 39, हिंदू और बौद्ध दोनों ही कलाओं में तारा को प्रमुख देवी के रूप में दर्शाया गया है। वस्तुतः तारा एक महान देवी है अपितु उनका उल्लेख हिंदू ग्रंथों में भी मिलता है।
इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ए और आर दोनों सही है। इम्प्रेशनिस्ट कलाकारों ने प्रायः बच्चों को अपने कैनवस पर चित्रित किया, ऐसा इसीलिए है क्योंकि अधिकांश इम्प्रेशनिज्म कलाकार महिलाएं थीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, ए और आर दोनों गलत है, क्योंकि फ्रेंड्स इम्प्रेशनिज्म यानी प्रभाववाद में ज़्यादातर सूर्योदय का प्रभाव जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध माना जाता है उसमें प्रकाश और वातावरण के प्रभावों को दर्शाया गया है, ना कि बच्चे और महिलाओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सबसे पहले है रोटरी प्रिंटिंग, तो इसको हम मिलान कर लेंगे। रोटरी प्रिंटिंग का हो जाएगा ऑफसेट प्रिंटिंग, ऑफसेट, फिर है लिथो प्रिंटिंग, प्लेनोग्राफी, ग्रेव्यूरे, इंटेग्लियो, सैरीग्राफ, एसपीजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, सैरीग्राफ प्रिंटिंग, यानी ए का चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का तीसरा। थर्ड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सबसे पहले है जॉन गुटेनबर्ग, जॉन गुटेनबर्ग का हो जाएगा मोवेल टाइप, एस डब्ल्यू हैटर, विस्कोसिटी, सेलेफेंडर, ये है लिथोग्राफी, फिर है हरक्यूलिस सेघर्स, इनका हो जाएगा रंग प्रिंटिंग। तो इसका राइट आंसर है फोर्थ, ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इसमें है रूप, रूप का है रूप की विविधता, फिर है प्रमाण, प्रमाण है अनुपात, सादृश्य, समानता, वर्णिकाभंग, विविध रंग। राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सबसे पहले एडवर्ड माने, एडवर्ड माने का है ओलंपिया, जीन अगस्ट, डोमिनिक इंग्रे, इनका है द स्प्रिंग, फिर है पॉल सेज़ान, इनका है स्टिल लाइफ विद अविग्नस या फिर अनियंस, फिर है एडवर्ड मुंग का है द स्क्रीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए का दूसरा, यानी थर्ड इज़ द राइट आंसर। ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सबसे पहले है अल्बर्टो जोकोमित्ती, इनका हो जाएगा अल्बर्टो जोकोमित्ती का सिटी स्क्वायर, जो बना है 1948 से 1949। फिर है राम किंकर बैज, इनका है सुजाता, ध्रुव मिस्त्री, मैन विथ डॉग, लोरेंजो घिबर्टी, गेट्स ऑफ पैराडाइज। इसका राइट आंसर है फर्स्ट, ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक का है वीनस ऑफ विलेंडॉर्फ, फिर आ जाएगा मिस्र, मिस्र का है पिरामिड, यूनान, द पार्थेनन, रोमन, ब्रेसिलिका ऑफ कॉन्स्टेटाइन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी फोर्थ इज़ द राइट आंसर। ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पाद को टैग लाइन के साथ सुमेलित कीजिए। सबसे पहले है सर्फ एक्सल, सर्फ एक्सल का है दाग अच्छे हैं, फिर है सीएट, सीएट का है बार्न टफ, उसके बाद है एप्पल मैकिंटोस, एप्पल मैकिंटोस का हो जाएगा थिंक डिफरेंट, एडोब ये सिंप्लिसिटी, एट वर्क बेटर बाई एडोब, ये थर्ड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, निम्न भारतीय बैंकों को उनके टैग लाइन के साथ सुमेलित कीजिए। सबसे पहले है वेयर इंडिया ट्रस्ट, वेयर इंडिया ट्रस्ट का है आंध्र बैंक, फिर है एम्पावरिंग वुमेन, भारतीय महिला बैंक, द सिटी नेवर स्लीप, सिटी बैंक, फिर है हम है ना ख्याल आपका। तो ये हो जाएगा आईसीआईसीआई
बैंक। तो राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड, यानी ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, नेक्स्ट है 49। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सबसे पहले है वराह, तो वराह का हो जाएगा एरन, वराह मंदिर है एरन में। फिर है गजेंद्र मोक्ष, गजेंद्र मोक्ष हैं देवगढ़ में जो दीवारों पे बनाए गए हैं। फिर है रावणानुग्रह शिव, ये है एलोरा में। शिव नटराज बादामी, इसका राइट आंसर है फर्स्ट, ए का तीसरा है, बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, अवनींद्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर की पेंटिंग है भारत माता, नंदलाल बोस, सती, एम एफ हुसैन, जमीन, विनोद बिहारी मुखर्जी, लाफ्टर। इसका राइट आंसर है फोर्थ, इसका राइट आंसर है, इसमें अवनींद्रनाथ टैगोर यानी ए का तीसरा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का चौथा। ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ ही साथ इसे शेयर भी करते चलें। तो फ्रेंड्स, अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें मैं ऐसे ही UGC नेट GRF और इससे भी रिलेटेड जितने भी फाइन आर्ट से संबंधित क्वेश्चन पेपर हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको मैं आपके साथ डिस्कस करते चलूँगी। तो अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।